संक्रांति का टाइम आ रहा है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी एकदम स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी टेस्टी मसाला खिचड़ी की रेसिपी। सबसे खास बात, फटाफट बनेगी, इतना स्वादिष्ट बनेगी कि यकीन मानिए जो खाएगा वही आपसे पूछेगा कि ये खिचड़ी आपने कैसे बनाई। और साथ ही बताऊंगी कुछ खास टिप्स जो ढाबे और रेस्टोरेंट वाले भी यूज करते हैं। मेरी इस खिचड़ी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार चख लेंगे तो हर बार खिचड़ी ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परफेक्ट दाल खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप चावल। ये सिंपल मैंने जो छोटा वाला चावल होता है ना, रेगुलर राइस, बस भी मैंने वही लिया है। खिचड़ी का अच्छे टेक्सचर और स्वाद के लिए छोटा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्टार्ची होता है, बाइंडिंग अच्छी देता है खिचड़ी के अंदर, अलग अलग बिखरा बिखरा नहीं रहता। आप वैसे लॉन्ग ग्रेन राइस या बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी छोटा वाला चावल यूज करें। माप के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से आप पूरा माप लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आपकी दाल खिचड़ी तैयार होगी। अब साथ ही यहाँ चावल के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप मूंग दाल। मैंने यहाँ सिंपल वाली मूंग दाल ली है, इससे खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर जो रेशो रहेगा बराबर रहेगा, चावल और दाल बराबर मात्रा में। अब आप एक बोल लीजिए, इसमें हम डाल देंगे चावल। सबसे जरूरी चीज, यह चावल और दाल को लगभग 2 से 3 बार हमें बढ़िया से धोना होगा, अच्छे से हाथ से मसल कर धो लेंगे। चावल दाल को बिल्कुल बढ़िया से मैंने 2 से 3 बार धो लिया है, इसको सिर्फ 5 मिनट इस तरह से भीगने दें, ज्यादा देर बिल्कुल नहीं। आज जिस प्रोसेस से ये मसाला खिचड़ी हम बना रहे हैं, आपको घंटों तक दाल चावल को भिगोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फटाफट वाला काम करेंगे। अब आप गैस पर चढ़ाएं 1 कुकर, फ्लेम को यहाँ कर दें लो मीडियम। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। अब खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी का मजा तो भाई घी से ही है। वैसे चाहे आप ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच घी का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी बढ़िया स्वादिष्ट खुशबूदार खिचड़ी के लिए देसी घी का यूज करें। अब घी को बढ़िया से पिघलने देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता। ये सारी चीजें वो हैं जो ढाबे रेस्टोरेंट की खिचड़ी में डाली जाती हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों, 1/4 छोटी चम्मच हींग। हींग जरूर डालें खिचड़ी में, ये मेन एलिमेंट है जो खिचड़ी को बनाता है एकदम खुशबूदार और टेस्टी। अब इसमें जाएंगे थोड़े से करी पत्ता, इससे खुशबू अच्छी आती है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप अगर बिना प्याज के खिचड़ी बनाना चाहें तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। और प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे, इतना भर कि प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। बहुत ज्यादा हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट, यानी कि हल्की सी सुनहरी। तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है, फ्लेम को लो कर देंगे और अब लगाएंगे वो सीक्रेट ट्रिक जो ढाबे और रेस्टोरेंट वाले करते हैं खिचड़ी का स्वाद जगाने के लिए, साथ ही उसकी बढ़िया रंगत के लिए। यहाँ मैंने लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा और लगभग 8 से 10 लहसुन की कली। अब आप लीजिए क्रशर यानी खल्लड़, और इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे और बढ़िया से करेंगे क्रश। ये वो तरीका है जो रेस्टोरेंट और ढाबे की खिचड़ी में यूज किया जाता है, जिससे आता है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। क्रश किए हुए अदरक और लहसुन का स्वाद एकदम जबरदस्त बोलता है खिचड़ी में। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। फिर जो ये मिक्स बनेगा ना, अदरक लहसुन और लाल मिर्ची पाउडर का, मजा आ जाएगा, टेस्ट भी बढ़िया आएगा खिचड़ी में और रंगत भी बहुत सुंदर आएगी। ये लीजिए, तो ये हमारा मिक्स पिस करके तैयार हो गया है। इसको रखते हैं अभी अलग और चेक करते हैं प्याज को। और ये देखिए, प्याज भी हल्की गुलाबी सी हो गई है, आप देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट सी दिख रही है, परफेक्ट। तो इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे ताजे ताजे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए जिसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया है, यानी बीच में से चीरा लगाकर कट कर लिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर डाले हैं तो साथ ही जाएगा स्वाद अनुसार नमक। और टमाटर के साथ ही हम यहाँ डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन लाल मिर्ची वाला चटपटा वाला मजेदार मिक्स, जो भी हमने पीस करके तैयार किया ना, यहीं पर डाल देंगे तो ये भी बिल्कुल बढ़िया से भुन जाएगा। अब जो खिचड़ी में टेस्ट आएगा पूछिए मत, वो तो जब आप बनाएंगे ना तब जानेंगे। अच्छी तरीके से सब चीजों को करेंगे मिक्स। ये देखिए क्या सुंदर कलर दिख रहा है, जरूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको खिचड़ी। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहीं पर हम डाल देंगे हमारी थोड़ी सी वेजीज, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, जो चाहें आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी के साथ सब बढ़िया लगती हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 आलू कच्चे, जिनको मैंने कट कर लिया है, 1 गाजर, जिसको मैंने रफली इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लिया, साथ ही 1/2 कप हरी मटर, चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं।
सभी चीजें आप यहीं पर डाल दें, ये सब भी यहीं बढ़िया से भुन जाएंगे और एकदम बढ़िया टेस्ट हमारी खिचड़ी में आ जाएगा। कलर तो आप देख ही रहे हैं, एकदम बढ़िया लग रहा है। सब्जियों में यहाँ मैंने गाजर भी ले ली है क्योंकि गाजर का सीजन है, हेल्दी होती है, तो हमारी खिचड़ी और भी ज्यादा हेल्दी बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे फूल गोभी बीन्स वगैरह भी ले सकते हैं। बस 2 मिनट हम सब्जियों को भी भून लेंगे टमाटर के साथ, जिससे कि टमाटर हो जाएगा नरम और सब्जियां भुन जाएंगी और खिचड़ी में फ्लेवर भी ज्यादा आएगा। सब्जियां भी हल्की सी भुन गई हैं, घी रिलीज हो रहा है, बहुत ही अच्छी रंगत दिख रही है। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से फ्लेवरफुल मसाले। तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, क्योंकि हम बना रहे हैं परफेक्ट मसाला खिचड़ी, तो मजा आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर जाएगा 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। सब चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। 30 सेकंड बाद जब मसाले थोड़े से भुन जाएं, यहाँ पर हम डाल देंगे हमारे चावल और दाल, जिसको मैंने 5 मिनट भिगो दिया था और आप देख सकते हैं कि फूल भी गए हैं। तो पानी मैंने निकाल दिया है। चावल और दाल को सारे मिक्स के साथ जरूर भुने, इससे जो खिचड़ी में टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़ी देर चावल दाल को हल्के हाथ से घुमाते हुए भून लेंगे। चावल दाल में पहले से ही हल्का सा मॉइस्चर था, पानी था, इसलिए मसाले भी बढ़िया से भुन गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो दाल और चावल है, चावल हल्का व्हाइटिश दिख रहा होगा आपको, यानी चावल बिल्कुल बढ़िया से भुन गया है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे उसी बोल से 6 कप पानी। याद रखिए रेशो बिल्कुल रहेगा, अगर 1 कप चीजें ले रहे हैं तो 3 कप पानी, और 2 कप ले रहे हैं तो 6 कप पानी। खिचड़ी क्योंकि बनने के बाद और जल्दी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पानी का रेशो प्रॉपर रखेंगे। तो ये हो गया 2 कप, 3 कप, 4, 5 और 6 कप। टोटल 6 कप मैंने पानी डाला है। अच्छे से करेंगे एक बार मिक्स, बहुत ज्यादा भी नहीं डालेंगे पानी, वरना क्या होगा कि विसल आते वक्त सारा पानी बाहर निकलने लगेगा। तो रेशो बिल्कुल इसी प्रकार रखें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि खिचड़ी की रंगत एकदम मस्त दिख रही है। अब लिड लगाकर हमें लेनी होगी विसिल। तो उसके लिए 1 विसिल हम लेंगे हाई फ्लेम पर और 2 विसिल हम लेंगे लो फ्लेम पर। इतना भर बहुत है, इसी में ही आपकी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। 3 विसिल आ गई थी, मैंने गैस को ऑफ कर दिया और पूरा इसका प्रेशर निकलने देंगे अपने से। अभी आप देख सकते हैं प्रेशर पूरा निकल गया है। तो चलिए खिचड़ी को चेक करते हैं। ये देखिए, वाव, एकदम परफेक्ट हमारी खिचड़ी तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कलर। जब कुकर में हम खिचड़ी बनाते हैं तो यही शिकायत होती है कि खिचड़ी या तो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई, या जब हमने पानी ऐड किया तो उसकी रंगत खत्म हो गई, टेस्ट खत्म हो गया, या वो ओवर कुक हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हल्के हाथ से हम खिचड़ी को चलाएंगे, ज्यादा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, वरना ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। तो चलिए, हमारी बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी खिचड़ी है बिल्कुल तैयार। इसको थोड़ा और शानदार बनाते हैं, ऊपर से लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो डिलीशियस से तड़के के लिए हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी का ही तड़का लगाइएगा, मस्त लगेगा। और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। थोड़ा सा डालेंगे करी पत्ता और साथ में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। ये जो तड़का तैयार किया है ना, ये खिचड़ी के फ्लेवर को एकदम दूसरे ही लेवल पर ले जाएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा खिचड़ी हमेशा ऊपर से तड़का लगा के ही दी जाती है, तभी इसका मजा आता है। तो बस इसको अब खिचड़ी के ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, हमारी परफेक्ट एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल दाल खिचड़ी है बिल्कुल तैयार, और वो भी इतनी झटपट कुकर में। तो चलिए फटाफट से करते हैं सर्व। ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म ढाबे रेस्टोरेंट जैसी परफेक्ट दाल खिचड़ी है बिल्कुल तैयार। इतनी टेस्टी बनी है कि जब आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे, बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे, हफ्ते में कई बार आपसे खिचड़ी की डिमांड भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम दिल खुश हो जाएगा। सिंपल सरल रेसिपी है, कुकर में एकदम आसान है, झटपट तरीका है बनाने का। इससे पहले मैंने आपके साथ मसाला खिचड़ी की रेसिपी भी शेयर की हुई है, चाहे तो आप उस तरीके से भी खिचड़ी को बना सकते हैं। एक बार आप ऐसे बनाकर देखिए खिचड़ी, जिसे खिचड़ी नहीं है ना पसंद, वो भी आपसे मांग कर खाएगा। यहाँ मैंने गर्मा गर्म ये टेस्टी सी खिचड़ी को सर्व किया है दही और अचार के साथ। और ये अचार की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये है इंस्टेंट आंवला अचार, साउथ इंडिया का फेमस आंवला पचड़ी। जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने सर्व किया है पापड़। मेरे यहाँ तो भाई खिचड़ी को ऐसे ही खाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके यहाँ खिचड़ी किस तरह से खाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मकर संक्रांति स्पेशल सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप हिंदी और इंग्लिश में मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।